क्या राकेश रोशन खुद करेंगे करण अर्जुन 2 को प्रोड्यूस, या करण अर्जुन 2 रिलीज होगी ओटीटी पर? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जब राकेश रोशन ने अपनी सुपर हिट 90s की फिल्म करण अर्जुन 2 के बारे में कहा तो क्रिटिक्स को ये आइडिया पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा 90s की ऑडियंस की बात अलग थी, उन्हें ऐसे कॉन्सेप्ट पसंद आते थे तब। लेकिन आज का ट्रेंड देखे तो पुनर्जन्म वाली मूवीज कुछ खास पसंद नहीं की जाती है। शायद ये रीजन हो सकता है कि आज की जनरेशन इतनी ज्यादा फिक्शन जिसमें कोई लॉजिक ना हो उस पर विश्वास नहीं करती। इसी का एग्जांपल है 2017 में आई फिल्म राबता। इस फिल्म में कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत थे, इसके बावजूद ये फिल्म हिट नहीं हो पाई। मूवी की स्टोरी अच्छी होते हुए भी ऑडियंस को ये पुनर्जन्म वाली बात कुछ खास पसंद नहीं आई। हाउसफुल 4 भी एक बहुत बड़े बजट पर बनाई गई थी, पर तब भी ऑडियंस को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और क्रिटिक्स कहते हैं इसकी मेन रीजन थी पुनर्जन्म की थीम जो इस फिल्म में दिखाई गई थी। जी एंटरटेनमेंट जो करण अर्जुन 2 को प्रोड्यूस करने वाले हैं, उन्होंने राकेश रोशन से स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने की बात कही है, पर राकेश रोशन को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा वो इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे। राकेश रोशन कहते हैं बाहर के कल्चर में जितनी भी फिल्म पुनर्जन्म पर बनी है ऑडियंस उसे पसंद भी करते हैं, और इंडिया में भी लोग आजकल बाहर की मूवीज देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से। उनका विश्वास है अगर मूवी अच्छी बनती है तो ट्रेंड और कास्ट पर ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंटेंट अच्छी होनी चाहिए जो राकेश रोशन लेकर आ रहे हैं। जब राकेश रोशन ने ये बात कही तो कुछ फैंस को लगा शायद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जिससे वो नाराज भी हो गए। उनका कहना था कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारे को देखने का असली मजा तो थिएटर्स में है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।